ये हमारा 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ठीक है आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहले तो बताना है कि जो क्वेश्चन हमको दिया है वो सही है या गलत है, ये बताना है। और उसके बाद कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब बोल रहा है कि उसका कारण भी बताना है कि क्यों गलत है और क्यों सही है। ठीक है, चलिए यहां पर ये बोल रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो 8.2 जो पढ़ेंगे फ्रेंड, वहां जो पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहां पर ही हम लोग जो है ये जो है वो होगा असत्य। ठीक है, क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि असत्य होगा। क्यों? क्योंकि टेन ए का जो मान बोल रहा है, टेन ए का मान जो बोल रहा है वो सदैव क्या बोल रहा है? 1 से कम होता है। 1 से कम आएगा अगर टेन ए का मान, तो ए क्या है? ए हमको दर्शाता है एंगल को, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसा करके हमको कोण को दर्शाता है, यानी कि थीटा के मान को दर्शाता है, वो एंगल को दर्शाता है। तो ये एंगल का जब मान दर्शाएगा, मान लीजिए कि टेन ए, ठीक है, क्योंकि ठीक है, यदि मान लेते हैं टेन 0 डिग्री का मान, ठीक है, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। अगर हम लोग टेन 0 डिग्री का मान अगर याद करेंगे तो हमारा मान होता है 0। ठीक है, तो ये 1 से कम है, यानी कि टेन ए का मान, यानी टेन ए, एक जब हम क्या रख दिए 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 आता है, तो 1 से कम है, मतलब हम लोग बोलेंगे सही है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम ही आता है क्या? 1 से कम आया लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसी प्रकार होता है टेन 45 डिग्री का मान, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, वैसे ही होता है टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, और टेन 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो है 1 से कम हमेशा नहीं आता है, कभी कभी 1 भी आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 भी आता है, मतलब 1 से कम हमेशा नहीं आता, 1 से कम आता है लेकिन हमेशा हर कंडीशन में 1 से कम नहीं आता, इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोण ए के किसी किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है इसको हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि सेक ए, ठीक है, तो सेक ए बराबर दिया है 12/5, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। क्या होता है? h/b। क्या होता है? h/b। तो h का मान कितना आ गया? 12। h का मान, जैसे एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं इस तरह का, तो हमारा ये h होता है और a एंगल a है, यानी कि त्रिभुज होगा abc, तो a के सामने वाला भुजा ये होगा p और ये होगा b, तो b का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। ठीक है, और ये h का मान कितना दिया है? 12। यानी कि हमेशा ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि विकर्ण जो है वो अन्य दोनों भुजा से बड़ा होता है, यानी इस भुजा से ये बड़ा है। ठीक है, 12 है और इससे भी बड़ा होगा, यानी कि 12 से कम ही पी का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है सत्य। क्या लिखना है? सत्य। क्या लिखना है? सत्य। ठीक है, सत्य लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्योंकि विकर्ण जो है अन्य भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। क्योंकि विकर्ण जो है अन्य भुजा, यानी कि ए बी क्या है? अन्य भुजा, तो इससे बड़ा है विकर्ण और इससे भी बड़ा होगा, तो इसलिए सत्य है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो सही सेट किया गया है, इसलिए क्या होगा? वो सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि कोसाइन होगा। कोसेकेंड जो है वो कोसेक, ठीक है, कोसेक का ये असत्य। ठीक है, यहां पर आप देखिए असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि कॉस ए जो है, कॉस ए कोण ए, यानी ये इस एंगल के लिए, ठीक है, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है, यानी कोसाइन के लिए कोस ए संक्षिप्त रूप होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ये कोसेकेंड जो है रूप होता है, ये
कोसाइन होता है कॉस ए के लिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि कोसाइन जो है वो कॉस ए है, संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस ए, ठीक है, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर को हम लोग बनाते हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा कि कॉट ए क्वेश्चन नंबर फोर, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि ये कॉट जो है वो ए के साथ में क्या गुना में है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, जो कॉट जो है वो ए के साथ गुना में है, तो नहीं, गुना के साथ नहीं है, असत्य, क्योंकि यह ए का कोटेंजेंट होता है, यानी कि ए का क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, ये कोण को दर्शाता है, गुना में नहीं है वो, कोटेंजेंट होता है, क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो क्या ये सही है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर थीटा दिया है, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी मान ले सकते हैं, ए बी सी, और इस सी को मान लिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा हो गया पी, ये हो गया एच और ये हो गया बी, तो वहां पर ही जो साइन थीटा का मान जो दिया है वो हमारा दिया है 4/3, और साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी का मान कितना दिया है 4, पी का मान दिया है 4 और एच का मान दिया 3, ठीक है, क्या दिया 3, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि P से बड़ा होना चाहिए था H, लेकिन अभी छोटा हो गया, इसलिए क्या होगा, असत्य, क्योंकि ये जो कर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो हमारा अन्य भुजा से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे असत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है, क्योंकि विकर्ण जो है अन्य भुजा से बड़ी होती है। ये एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों का समाप्त हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.2 का इस तरह का जो हम लोग फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, इस तरह का हम लोग पढ़े, वो साइन कोस टेन कोट से कोसे के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, इसको हम लोग बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से याद करने का तरीका भी देखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने 8.1 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे तरीके से याद करने का एक बेस्ट तरीका, आसान तरीका हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से हम लोग 8.2 में भी आसान तरीका को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बार बार रिवीजन कीजिएगा तभी आपको किसी भी चीज को याद होगा और आपके दिमाग में बैठेगा और आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, आप लोगों को सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, धन्यवाद।